साथियों, स्वागत है आपका एम स्टडी बैंक यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज हम आपसे 25 इंटरेस्टिंग जनरल नॉलेज क्वेश्चन पूछेंगे और साथ में आंसर भी बताएंगे। अगर आप किसी भी सवाल का जवाब पहले से जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारी चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का बटन जरूर दबा दें इसी तरह का नॉलेजेबल वीडियोज़ देखने के लिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सवाल नंबर एक है, ऐसा कौन सा अपराध है जिसे करने की कोशिश की जाए तो उसकी सज़ा है, पर अगर कर लिया जाए तो कोई सज़ा नहीं है। साथियों, आपको हर सवाल का जवाब सोचने के लिए 10 सेकंड मिलेंगे। अगर आप 10 सेकंड में सही जवाब दे देते हैं तो आप बहुत ही जीनियस हैं। तो चलिए, आपका समय शुरू होता है अब। सही जवाब है आत्महत्या, सुसाइड। सवाल नंबर दो है, वह कौन सा अंधेरा है जो रोशनी से बनता है, क्या आप जानते हैं? सही जवाब है परछाई। सवाल नंबर तीन है, मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान क्या कहलाती है? सही जवाब है डर्मेटोलॉजी। सवाल नंबर चार है, मेहंदी में कौन सा पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण वह लाल हो जाती है? सही जवाब है लाशोन। सवाल नंबर पाँच है, किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? सही जवाब है सोडियम को। सवाल नंबर छः है, सबसे बड़ी आँखें किस स्तनधारी प्राणी की होती है? सही जवाब है हिरण। सवाल नंबर सात है, हमारा राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? सही जवाब है सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ से। सवाल नंबर आठ है, वह क्या है जो जिसका है वही देख सकता है और सिर्फ एक ही बार देख सकता है, क्या आप बता सकते हैं? सही जवाब है सपना। सवाल नंबर नौ है, शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? सही जवाब है शुक्राणु। सवाल नंबर दस है, अगर प्रकाश के सारे रंगों को मिला देंगे तो कौन सा रंग मिलेगा? सही जवाब है सफ़ेद रंग। सवाल नंबर 11 है, राम मंदिर का डिज़ाइन किसने तैयार किया है? सही जवाब है चंद्रकांत सोमपुरा जी ने।
सवाल नंबर 12 है, किस देश में सबसे ज्यादा शाकाहारी लोग हैं? सही जवाब है भारत में। सवाल नंबर 13 है, भारत का ऐसा कौन सा गांव है जहां सभी संस्कृत बोलते हैं? सही जवाब है मत्तूर, कर्नाटक में। सवाल नंबर 14 है, भारत रत्न पदक यानी मेडल का आकार कैसा होता है? सही जवाब है पीपल के पत्ते के आकार जैसा। सवाल नंबर 15 है, महेश के पिता के 5 लड़के हैं, गणेश, रमेश, सुरेश, अल्पेश, तो बताओ पांचवें बेटे का क्या नाम है, क्या आप बता सकते हैं? सही जवाब है महेश। सवाल नंबर 16 है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यह बात किसने कही थी? सही जवाब है राम प्रसाद बिस्मिल जी ने। सवाल नंबर 17 है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? सही जवाब है बेरी बेरी। सवाल नंबर 18 है, वह कौन सा फल है जिसके ऊपर छिलका व अंदर बीज नहीं होता है? सही जवाब है शहतूत। सवाल नंबर 19 है, टॉर्च जैसी रोशनी लेकर चलने वाली मछली का क्या नाम है? सही जवाब है जाइटेंटेक। सवाल नंबर 20 है, वह कौन सा जानवर है जो खतरा महसूस होने पर अपने बच्चे को पेट में छुपा लेता है फिर बाहर निकाल लेता है? सही जवाब है कंगारू। सवाल नंबर 21 है, वह कौन सी मछली है जो पानी में तैरती है, जमीन में चलती है और हवा में उड़ती भी है, क्या आप बता सकते हैं? सही जवाब है गरनाड मछली। सवाल नंबर 22 है, किस राजा ने तंबाकू पीना अनिवार्य कर दिया था? सही जवाब है पीटर द ग्रेट। सवाल नंबर 23 है, नोबेल पुरस्कार कौन सा देश प्रदान करता है? सही जवाब है USA। सवाल नंबर 24 है, गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया?
सही जवाब है चंपारण में। सवाल नंबर 25 है, क्रिकेट खेल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सही जवाब है इंग्लैंड को। सवाल है, बिना धोए सब खाते हैं, खाकर बहुत पछताते हैं, कहते समय भी शर्माते हैं, बताओ क्या है? सही जवाब है जूते चप्पल। साथियों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन ज़रूर दबा दें इसी तरह का नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए। धन्यवाद।